स्वागत है वापस से आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो बिजनेस है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। पहले इंसान केवल खुद का पेट भरता था हंटिंग करके, उसके बाद उसने फैमिली बनाई, फिर विलेज इकोनॉमी आई, फिर वो बस्तियाँ बनाने लगा, टाउन बनाने लगा, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मनी आने लगा। तो बिजनेस जो है वो इवॉल्व हुआ कैसे कैसे, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, किन किन स्टेजेस से बिजनेस की ग्रोथ हुई है, आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं वो सबसे लास्ट है। तो बस आज यही पढ़ेंगे। सिलेबस के पेज पे मैं आपको लेके चलता हूं। ये रहा सिलेबस का पेज। सिलेबस के पेज में आप ये देख रहे हो यहां पर लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यही पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेज मैंने कर लिया है ओपन। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले, मतलब पहले, बहुत पहले की बात है, जो लोग थे वे सेल्फ डिपेंडेंट थे। सेल्फ डिपेंडेंट मींस खुद का पेट खुद भरते थे, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। जैसे जानवर होते हैं वे सेल्फ डिपेंडेंट ही होते हैं। जो इंसान थे वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते थे खुद के लिए। एक ऐसा समय था जब कॉमर्स था ही नहीं। कॉमर्स मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ था कि क्या होता है। कॉमर्स होता है जहां हम सामान का आदान प्रदान करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट था, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट था, ये डेवलप हुआ धीरे धीरे, ग्रेजुअली डेवलप हुआ, जब लोग स्टार्टेड टू लिव इन द रिवर बैंक। यहां पर लिखना है बिसाइड्स द रिवर बैंक। जब लोग नदी किनारे रहने लगे। ये नदी किनारे रहने का क्या चक्कर है, मैं आपको थोड़ी ही देर में आपको वीडियो दिखाऊंगा नदी किनारे रहने का क्या मतलब हो रहता है। और एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे उस समय। फार्मिंग सबसे पहले, फार्मिंग हंटिंग के बाद सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुई थी फार्मिंग। नदी किनारे रहने का मतलब ये था क्योंकि पानी की समस्या वहां से ही दूर होती थी। उस समय कैनाल्स नहीं थे, उस समय टुल्लू पंप नहीं थे, उस समय ये डैम नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी। उस समय पानी का जो स्रोत था वो केवल और केवल नदी के किनारे से और खेत में ले जाने तक था। इसलिए हर इंसान नदी के किनारे रहता था, उसे पीने का पानी भी वहीं उपलब्ध हो जाता था। और ठीक है, मेन जो चीज़ है वो यहाँ से स्टेप से स्टार्ट होती है। ये सात स्टेजेस से होकर हम आज की दुनिया में पहुँचे हैं। इनके नाम देख लीजिए, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। सेल्फ सफिशिएंट में इंसान खुद से कमाता था, खुद खाता था। बार्टर सिस्टम में मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, लीजिए चावल लीजिए, गेहूं दीजिए, इस तरह काम होता था। अगला है विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी में लोगों ने थोड़े काम बांट लिए थे। तो मैं तेरे खेत की रखवाली करूंगा, तू मेरे को इतने अनाज दे देना। मनी इकोनॉमी, उसमें सिक्के स्टार्ट हो गए थे, फीदर्स के स्टार्ट हो गए थे, पत्थर के सिक्के, पत्थर भी आदान प्रदान होने का एक माध्यम बन गए थे। टाउन इकोनॉमी बनी थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और आज जो हम जी रहे हैं वो जी रहे हैं कहाँ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से, आपको समझ तो कुछ आया नहीं होगा अभी तक, बिल्कुल बेसिक से करते हैं शुरू। सबसे पहला स्टेज पढ़ते हैं, सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। सेल्फ सफिशिएंट स्टेज, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये रही, तो आप देख रहे हैं ये उस समय से चलता आ रहा था। उस समय क्या थे, हम भी जानवर ही थे। थे तो मतलब इंसान और बिल्कुल जानवर भी नहीं थे, पर बस क्या करते थे, केवल दूसरे जानवरों को मारते थे और खाना खाते थे। इसे कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट, खुद का पेट खुद भरते थे, खुद मेहनत करते थे। तो जो इस तरह की हरकतें थी ये किस चीज की थी, ये थी सेल्फ सफिशिएंट स्टेज की। आइए तो पढ़ते हैं क्या है ये लिखा है। अर्लियर
पीपल वर सेल्फ डिपेंडेंट, देयर नीड्स वर लिमिटेड, पीपल फुलफिल देयर ओन नीड्स बाय हंटिंग. जो इंसानों की इच्छाएं थी वे लिमिटेड थी. क्या थी? पेट भरना है. क्या थी? पेट भरना है, केवल और केवल पेट भरना है, सुबह से शाम तक पेट भरना है, बस यही था. जैसे आज के जानवर हैं. इस स्टेज में कोई भी सिस्टम नहीं था एक्सचेंज का. पीपल उस समय एक्सचेंज नहीं करते थे गुड्स. मैं ये भी कह सकता हूँ उस समय कॉमर्स कुछ था ही नहीं. उस समय खुद मेहनत करके खुद पेट भरते थे हम, तो उस समय मैं कैसे कह सकता हूँ कॉमर्स था. कुछ बुक्स में तो सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज जो है इसको इसमें गिना ही नहीं जाता. बार्टर सिस्टम को पहली स्टेज मानते हैं. ये जो पहली स्टेज है सेल्फ सफिशिएंट, इसको वे मानते ही नहीं है. कहते हैं हमारा जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो बार्टर से स्टार्ट हुआ है. तो अब बार्टर सिस्टम पढ़ते हैं. खैर, सेल्फ सफिशिएंट आपको समझ आ गया. लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे और खाना खाते थे. बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम भी आपको समझाने के लिए एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं. और आपके स्क्रीन पर ये रही. इस नीचे कपड़े को रंग दो, दीवार पे लगा लो, ले लो. 8 गुनी गेहूं के बदले 3 गुनी नील लेंगे. 10 गुनी गेहूं से कम नहीं है सर. नहीं नहीं, 10 नहीं, 8 गुनी. इस वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि ऋतिक रोशन जो है ये नील बेच रहा है. नील जो कपड़ों पे लगाते हैं, नील बेच रहा है और गेहूं खरीद रहा है. इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम. कि मेरे को गेहूं की जरूरत है क्योंकि मेरे यहां पर, मेरे गांव में गेहूं नहीं उगता. आपको नील की जरूरत है तो आप नील खरीद लीजिए. इसे ही कहते हैं बार्टर सिस्टम, जहां सामान के बदले सामान खरीदा जाता है. गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स. उच्च दर्जे का बीज, सही समय बुआई कटाई, नारा नदी के जल और अमीरा के प्रेम से सिंचाई, ये गुण है नील में. ठीक है, इतने सही देखना था. पूरी मूवी नहीं देखनी है. बार्टर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है एक सीन दिखाकर कि बार्टर सिस्टम क्या होता है. पढ़ते हैं. लिखा है दिस इज द रियल बिगनिंग स्टेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सही बात है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो रियल बिगनिंग है वो तो यहीं से स्टार्ट होती है. यदि आपकी बुक में पहली स्टेज बार्टर सिस्टम है तो आप बार्टर सिस्टम से आंसर स्टार्ट कर लीजिए, सेल्फ सफिशियंसी से मत कीजिए. बार्टर सिस्टम में लिखा है इस स्टेज पर लोगों ने सामान को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया था. उस सामान को जो उनके पास सरप्लस में था. सरप्लस मींस एक्स्ट्रा. मेरे पास जो नील है बहुत सारा है, एक्स्ट्रा है, तो मैं वो एक्स्ट्रा सामान दे दूंगा और उसके बदले क्या ले लूंगा? वो ले लूंगा जो मुझे, मेरे पास नहीं है. मेरे पास गेहूं नहीं है तो गेहूं ले लूंगा. बार्टर इकोनॉमी में पीपल वर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन एवरी प्रोडक्ट. हम सेल्फ डिपेंडेंट हर एक चीज़ में नहीं है, क्योंकि अब मैं हंटिंग करके नहीं खा रहा हूँ. अब मुझे गेहूं चाहिए, किसी इंसान को अब नील चाहिए, अब कपड़े चाहिए, क्योंकि इंसानों की ज़रूरतें बढ़ गई थी. बार्टर इकोनॉमी पीपल एक्सचेंज्ड प्रोडक्ट्स वर एक्सचेंज्ड अगेंस्ट द प्रोडक्ट. सही बात है, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट लिया जाता है. इट इज़ द एज ऑफ कॉमर्शियल स्टार्टिंग. कॉमर्स की स्टार्टिंग है, पहली स्टार्टिंग यही है. The development of water system was the first practice of commerce. Same बात लिखी है. Commerce की पहली स्टेज यही है. सबसे पहले hunting करते थे, first step में. Second step में क्या करने लगे? हम सामान के बदले सामान को exchange करने लगे. अब तीसरा पढ़ते हैं village economy. Village economy क्या होता है? चलिए देखते हैं. देख लिया आपने, किसे कहते हैं विलेज इकोनॉमी. आओ, यहां पे लिखा है पीपल स्टार्टेड सेटिंग एट ए पार्टिकुलर प्लेस नियर रिवर्स. लोग नदी किनारे रहना शुरू कर चुके थे. नदी किनारे ही क्यों रहते थे? आओ देखते हैं, वीडियो से देखते हैं इसको भी. एक नदी किनारे ये सब, ये जो विलेज के लोग थे, गांव के लोग थे, एक जगह रुके. इन्होंने देखा कि यहां पे नदी है,
तो ये भी ये सोचेंगे कि ये हम कहां रहेंगे, हम इसी के किनारे रहेंगे। ये जल सोच है। ये जल स्वच्छ है, पावन है, आज से यही हमारी भूमि है। क्योंकि नदी किनारे तो पहले से ही नदी किनारे रहते थे। हड़प्पा के लोग कहां रहते थे? इंडस रिवर की नदी, सिंधु नदी के किनारे रहते थे। ठीक है, आपको मैंने नदी किनारे का भी एक सीन दिखा दिया है। आओ विलेज इकोनॉमी वापस पढ़ते हैं, मैं मूवी नहीं दिखाना चाहता था आपको। हाँ, विलेज इकोनॉमी में क्या है? विलेज इकोनॉमी, पीपल स्टार्टेड सेटिंग एट ए प्लेस। जो लोग हैं वो नदी किनारे रहना स्टार्ट कर दिए थे। वे अब कैटल्स को रियर करते थे, या क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ हंटिंग देम, यहाँ पे लिखना है हंटिंग। अब जनता ने क्या किया, जानवरों को हंट करने की जगह, मारने की जगह उनका रियरिंग स्टार्ट कर दिया था। मतलब अब गाय और बछड़ा, गाय और जो भी मिलता था, अब उनको हम कत्ल ना करके अब उनका रिप्रोडक्शन कराते थे, उनका उनका दूध आता था। अब हम थोड़े मांसाहारी से थोड़े शाकाहारी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। पीपल स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन ऑक्यूपेशन अदर देन एग्रीकल्चर। पहले लोग क्या करते थे, खुद खाने के लिए या तो हंट करो या फिर खेती करो। अब खेती से अलग भी कुछ काम स्टार्ट हो गए थे। जैसे आपके पास खेत है, मेरे पास समय खाली है, मैं आपके खेत की रखवाली करूंगा सुबह से शाम तक, आप मुझे ये सब दे देना। तो अब लोग इकट्ठा रहने लगे थे। इकट्ठा रहने में क्या हो जाएगा कि हम अलग अपने अपने काम बांट लेंगे। मुझे दूर से पानी भर के लाना है, इस इंसान को ये काम करना है, तुम खेती करोगे, तुम खेती के लिए बीज लाओगे। तो हर इंसान ने अपना अपना काम बांट लिया था। पीपल स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑक्यूपेशन अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से अलग भी लोगों ने अपना काम देखना शुरू कर दिया था। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ विलेज एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द विलेज वर मेट बाय द पीपल देमसेल्फ। अब ये एक विलेज का सिस्टम था और जितनी भी जरूरत थी एक विलेज की, वो विलेज वाले लोग ही पूरा करते थे। हमारा एक गांव बन गया, उस गांव में हम केवल 100 लोग या 200 लोग रहते थे, तो 200 के 200 लोग एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे। डिफरेंट फैमिलीज स्टार्टिंग स्पेशलाइजिंग प्रोडक्ट डिफरेंट गुड्स और टेकिंग अप स्पेसिफिक जॉब्स। अलग अलग फैमिलीज ने अपने अपने अलग अलग काम ढूंढ लिए, अलग अलग अपना स्पेसिफिक जॉब्स ले ली। All this development led to self-reliant village economy. इससे क्या हुआ? Self-reliant village economy. Self-reliant क्या होता है? Self-reliant मतलब होता है आत्मनिर्भर। अब लोग आत्मनिर्भर बन गए थे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला आत्मनिर्भर बन गया था, मेरा पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया था। जिसे कहते हैं कबीलों में रहते थे लोग, वो चीज है ये कि हमारा जो पूरा कबीला था वो एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर देता था और खुशहाल जिंदगी जीते थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शुरू हुई मनी इकोनॉमी। अब ये मनी इकोनॉमी क्या होता है? अब यहां पे मनी शुरू हो गया था। मनी मींस, वीडियो दिखाऊं आपको? चलिए वीडियो देखते हैं। ये इंसान इसको कह रहा था कि दो लाजवरद, इस गांव वालों के पास कुछ सामान था, इनको ये बेचना था। अब मैं कुछ सामान बेचता था तो पहले क्या मिलता था, बार्टर सिस्टम में क्या मिलता था, सामान मिलता था। और इस समय क्या मिल रहा है? इस समय मिल रहे हैं स्टोन्स। कैसे? दो लाजवरद, वो वरद जो है वो मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या समझा, इस वीडियो से मैंने ये समझा कि बार्टर सिस्टम में मेरे पास अगर कुछ गेहूं होता था तो मैं उसे बेचने के लिए कुछ नील खरीद लो, चावल खरीद लो, कुछ भी एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीद लेता था। विलेज इकोनॉमी में, अभी विलेज इकोनॉमी में भी बार्टर सिस्टम था। स्क्रीन आपको ये दिखा दिया, सॉरी, विलेज इकोनॉमी में भी बार्टर सिस्टम था, पर लोग एक दूसरे से अब कबीलों में रहने लगे थे, एक गुट बना के रहने लगे थे, ग्रुप में रहने लगे थे। एग्रीकल्चर से अलावा भी उनको कुछ काम दिखने लगा था, लोगों ने अपना काम बांट लिया था। उसके बाद मनी इकोनॉमी में क्या हुआ,
मनी इकोनॉमी में अगर मुझे कुछ सामान बेचना है तो मैं उसकी जगह पर स्टोन, शेल्स ऐसी चीजें भी ले सकता हूँ और उन उनसे कुछ और सामान ले सकता हूँ। आइए वापस स्क्रीन की तरफ देखते हैं। इन दिस स्टेज मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस स्टेज में क्या हुआ था, जो मनी है, मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स कुछ सामान खरीदने बेचने के लिए जो यूज चीज होती है वो होती है। तो इस स्टेज में मनी यूज होने लगी थी। जिन लोगों के पास कुछ फालतू प्रोडक्ट होता था वो सामान को सेल कर देते थे मार्केट में, क्या लेता था उनसे, मनी। मैं कुछ, मेरे पास कुछ सामान फालतू है, मैं बेच दूंगा, क्या आएगा, शेल्स आ जाएंगी, स्टोन्स आ जाएंगे। पहले सिक्के भी चलते थे, सोने के, ब्रॉन्ज के, तांबे के। द कॉमोडिटीज लाइक स्टोन, शेल्स, फीतर्स वर यूज टू वैल्यू द गुड्स। पहले क्या होता था, जो स्टोन्स थे, शेल्स, फीतर्स, ये यूज किए जाते थे ताकि हम गुड्स की वैल्यू का यूज कर सकें। जैसे उस सामान के बदले उन्होंने 2 लाजवर्द मांगे थे, 4 उन्होंने दे दिए, 2 वो अलग बात है। धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्रेजुअली मतलब समय के साथ साथ, ग्रेजुअली मीन समय के साथ साथ क्या हुआ, मेटल्स जैसे कि लोहा हो, कॉपर हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये यूज होने लगा। मतलब मनी में भी, मनी जो हम पढ़ रहे हैं ये फोर्थ स्टेप, इसमें भी पहले पत्थर स्टार्ट हुए, शेल्स स्टार्ट हुए, धीरे धीरे सोने के सिक्के भी यूज होने लगे थे। आइए इसी मूवी में देखते हैं इसका अगला सीन जहां पर सिक्के दिखाए गए हैं। इस वीडियो में दिखा क्या रहे हैं, मनी इकोनॉमी का एक छोटा सा मैंने पार्ट दिखाया आपको। इसके पास एक सिक्का कह सकते हैं, इसके पास एक सिक्का है जिसको हम यूज करके सामान शायद खरीद सकते हैं। ये विलेज इकोनॉमी से थोड़ा सा ऊपर है। ये लोग गांव में रहने वाले इस समय शहरों की तरफ जा रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए। ये पॉसिबल तभी हो पाया है, ये जो हम सामान बेचने शहर की तरफ जा रहे हैं ये तभी पॉसिबल हुआ है जब मनी आया। चलिए इसको मैंने पॉज कर दिया है, वापस से एक बार वहीं पढ़ते हैं जहां हम थे। हम अपने आप को कहाँ छोड़ कर गए थे आपको, हाँ यहाँ पर। द मेटल्स वर वेटेड एंड स्टैम्प्ड टू फिक्स देयर वैल्यू। ये जो मेटल्स होते थे इनको एक एक को वेट किया जाता था, इन पे स्टैम्प भी लगाई जाती थी ताकि इनकी वैल्यू फिक्स हो सके। आपको इसकी भी एक वीडियो दिखा दूं जहां पे वेटेड, जहां पे वेट करना कैसे होता है, स्टैम्प कैसे लगाया जाता है। इसी मूवी में से दिखा देता हूं मैं आपको ये लाइन भी। इसका जो गांव था, ऋतिक रोशन का जो गांव था उसका नाम था आमरी। तो साथ में इस इंसान ने बोला कि 4 गुना कुछ सामान है वो आमरी से आया है। आमरी में ये क्या करते थे, विलेज इकोनॉमी में रहते थे। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये साइड में तराजू दिख रहा है वेट करने के लिए, और स्टैंप अब दिखेगा आपको, ये है स्टैंप। ये जो इसने उठाया ये तुलादान से। चलो शुक्र। लोथल से कपास की गोली। तो आगे लिखा है, दोस पीपल हु नीड द प्रोडक्ट। जिन लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत थी अब वो प्रोडक्ट खरीदते थे बाय पेइंग मनी। अब वो सामान के बदले सामान नहीं लेते थे, वो सामान के बदले पैसे देते थे। एज अ रिजल्ट रैपिड चेंज इन द कॉमर्स इमर्ज्ड। और एज अ रिजल्ट मतलब फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो कॉमर्स में एकदम से बहुत ही चेंज आया। जो कॉमर्स पहले सामान के बदले सामान होता था वो सामान के बदले पैसे होने लगे, करेंसी होने लगी। अब पढ़ते हैं टाउन इकोनॉमी। टाउन इकोनॉमी में अभी हमने देखा जो वे लोग थे वे अभी मोहनजोदड़ो में पहुंचे थे। लिखा हुआ है द इंट्रो, ये है इंट्रोडक्शन, ठीक है, INT, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस। जो मनी है इसका इंट्रोडक्शन जो हुआ था
किस रूप में? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो मीडियम, मीडियम मीन्स वो माध्यम एक्सचेंज का. अब किसी सामान को एक्सचेंज करने के लिए जो मीडियम था वो क्या हो गया था? वो हो गया था मनी. इसने बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही अहम भूमिका निभाई बिजनेस को डेवलप करने के लिए. इस स्टेज में मतलब टाउन इकोनॉमी में विलेजर्स बॉट रॉ मटेरियल कैटल मिल्क टू द टाउन फॉर सेल. जो गांव के लोग थे वो कुछ रॉ मटेरियल्स हो या गाय भैंस खच्चर घोड़ा हाथी या मिल्क टाउन में लाते थे बेचने के लिए. अब इसकी भी अगर आपको एक वीडियो देखनी है, टाउन इकोनॉमी में आपको पढ़ा रहा था. टाउन इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन ऑफ मनी यहाँ हो गया था. जो गांव के लोग थे वो रॉ मटेरियल लाते थे, कैटल लाते थे, मिल्क लाते थे टाउन में बेचने के लिए. यहाँ हियर ट्रेडर्स फ्रॉम वेरियस लोकेलिटी केम टुगेदर टू फॉर्म द लोकल मार्केट. अलग अलग लोकेलिटी से लोग आते थे, लोकल मार्केट बना लेते थे. द ट्रेडर ऑल्सो स्टार्टेड ब्रिंगिंग लग्जरी गुड्स फ्रॉम आउटसाइड प्लेसेस फॉर सेल इन टाउन. लग्जरी गुड्स भी लाने लगे थे लोग. द टाउन बिकम द सेंटर ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी. कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए टाउन जो है वो सेंटर बन गए थे. आज भी ऐसा ही होता है कि जो टाउन्स होते हैं, जो शहर होते हैं, वहीं पर ज़्यादा शोरूम्स होते हैं. गाँव के लोगों को कुछ भी खरीदना होता है, लग्जरी आइटम्स हो, वो शहर की तरफ ही आते हैं, क्योंकि टाउन एक सेंट्रल प्लेस हो जाती है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, सामान को खरीदते हैं. इसकी आपको एक और वीडियो अगर मैं दिखाऊँ आपको, लो चलता हूँ वीडियो में, थे तो उसमें कैसे पता रहता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टाउन इकोनॉमी हो गया है. ठीक है, टाउन इकोनॉमी में यही होता है. अब अगला पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. जो इंग्लैंड था जहाँ से अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, इंग्लैंड में बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस आए थे. किस चीज़ में? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में. पहले लोग काम करते थे, उसके बाद मशीन्स आ गई थी वहाँ पर. तो इतने चेंजेस आए वहाँ मशीन से कि उस समय को लोगों ने क्या कह दिया, इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लिखा है. दीज चेंजेस वर क्वाइट ड्रामेटिक एंड फार रीचिंग दैट इट केम टू बी नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. वे जो बदलाव आए थे काम करने के तरीके में इतने ज़्यादा थे, इतने सारे थे कि उस समय को कहते हैं हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. वो समय कौन सा है? 1760 से लेकर 1850 के बीच में. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस, उसमें बहुत इन्वेंशंस हुई हैं. जेम्स वॉट का स्टीम इंजन से लेके बहुत इन्वेंशंस होती हैं. कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं. पेपर में होगा तो लिख लेना, किसी के MCQ की वजह से लिखे हैं मैंने. स्पिनिंग जेनी ऑफ हार्ग्रेव्स, वाटर फ्रेम ऑफ आर्कवेट. जो जिनको लॉन्ग आंसर लिखना है शायद उनसे तो याद नहीं होगा, और जो MCQ वाले हैं वो इनको ज़रूर पढ़ें. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी मास स्केल पे होने लगी थी. 50 वर्कर का काम अगर एक मशीन कर रही है तो एक तो कॉस्ट कम आ रही थी, तो इसलिए जो इंग्लैंड के जो रॉ मटेरियल थे, जो वो फिनिश गुड्स थे, वो सस्ते दामों पे बाहर बेच पा रहे थे. इसलिए इंग्लैंड के पास पैसा भी उस समय, करेंसी भी इसलिए ज़्यादा बहुत आई. एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने कहा हुआ, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो 6 चेंजेस, उन्होंने टोटल चेंजेस को 6 कैटेगरीज में बांटा है. MCQ में आ सकता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कितने चेंजेस थे, तो आंसर है 6. अब चेंजेस कौन कौन से थे आप वो फटाफट देख लीजिए. इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट आई. लोहे को जो कैसे बनाते हैं, कैसे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, उस चीज़ में आई एक रिवॉल्यूशन आया. स्टीम इंजन बना. केमिकल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डेवलप हुई. कोल्स माइन की डेवलपमेंट उस समय हुई. उस समय पक्की रोड, ट्रांसपोर्ट में बहुत बदलाव आए. उस समय रेल की पटरियाँ भी छने लगी, तो सामान इधर से उधर बहुत जल्दी जाने लगा. वरना क्या होता था, जहाँ का सामान है वो आसपास ही बिकता था. अब इंग्लैंड का सामान दूसरे देशों में बहुत जल्दी पहुँचने लगा था. अगला चलो इसकी एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ पहले आपको. Inventors had found new ways to harness nature's energy. They built new kinds of machines powered by water, steam, and coal. The new machines replaced hand-powered tools. They did the same work, only cheaper and faster. Much of the work was done outside the home, in specially designed buildings. The first. कह रहे हैं कि specially designed building होती थी, उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें factory कहते थे, जहाँ पे ये सब होता. Factories. Mechanization began in the textile mills of England, where one machine attached to a spinning wheel could do the work of 50 people. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी
उसमें जो स्पिनिंग व्हील था वो इतना चेंज आया कि 50 वर्कर का काम वो अकेला एक व्हील कर देता था। फ्यूल, क्लोथिंग एंड फूड ऑल बिकेम मोर अफोर्डेबल। With the development of locomotives and steamboats, manufactured goods could now be sold halfway. New industrial towns produced great hundreds, sometimes thousands of people. And they made enormous profits in and pollution from created the first goods and higher mills arrived her life. Extended for breakfast and for dinner. तो जो लास्ट स्टेज है वो है मॉडर्न एज ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जिसमें हम आज जी रहे हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस तो अब भी आए हैं। इंडस्ट्रियल उस समय मोबाइल नहीं थे, इस समय मोबाइल्स हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। इस समय ऑटोमेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू रिवॉल्यूशन। जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बन गए हैं उन्होंने तो एक नया रिवॉल्यूशन ही ला दिया है बिजनेस करने में। आज हम यहाँ पर बैठे बिल बना लेते हैं, आज हम ऑनलाइन ही जीएसटी की रिटर्न भर लेते हैं। द बॉडी पावर वॉज ट्रांसफर टू मशीन। जो बॉडी पावर, इसका कहने का मतलब है कि जो काम एक शरीर करता था, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का जो काम था वो सारा का सारा मशीन करने लगी थी। वो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी था, पर यहाँ पर क्या हुआ, नाउ एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू ट्रांसफर द ब्रेन एंड पावर टू मशीन। मॉडर्न साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि हम ये चाहने लगे हैं आजकल कि जो ब्रेन पावर है, ब्रेन पावर मींस जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो हम सोचते हैं हम इंसान, उसको भी हम एआई में ट्रांसफर करने लगे हैं कि ये काम भी मशीन कर ले, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ये काम कर ले। तो इस बात पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कुछ लग चुके हैं, कुछ लगाए जा रहे हैं। सम चेंजेस आर इन द फील्ड ऑफ एटोमिक एनर्जी। कुछ जो चेंजेस हैं एटोमिक एनर्जी में बहुत बदलाव आए हैं, स्पेस कम्युनिकेशन में, और सुपर कंप्यूटर्स बन गए हैं आज। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से हजारों गुना तेज होते हैं। सुपर कंप्यूटर की तो अपनी एक हिस्ट्री है भारत की, आप कभी पढ़िएगा यूट्यूब पर सर्च करके। तो आज खैर इस वीडियो में हमने आज क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।